देखिए गाइस, आज ही हम ये इंस्टॉल करेंगे बाइक के अंदर। ये हम वीडियो लेकर आए हैं, नई धमाकेदार वीडियो, जिसके अंदर हम ये इंस्टॉल, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं इंस्टॉल करूंगा अपनी बाइक के अंदर। तो इसका मैं फुल प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से वायर हम किस में लगाते हैं और ये किस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले आपका ये वाला पार्ट होता है बैटरी वाला पार्ट, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। ये वाला स्क्रू मैंने ओपन कर लिया, एक स्क्रू होता है यहाँ पर इसके नीचे प्लेसमेंट, ये वाला स्क्रू होता है, आप देखेंगे ये वाला खोलना होता है और उसके बाद में हमारा ये रैप बाहर आ जाता है जिसको मैं खोल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आए। मैं खोल के दिखाता हूँ आपके सामने। ये छोटा मैंने स्क्रू ड्राइवर एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर भी, ये ऐसी जगहों पे भी बहुत अच्छी जगह से काम हो जाता है, आराम से हमें खोलने में दिक्कत नहीं होती। ये वाला प्रोडक्ट भी बहुत यूजफुल है हर चीज़ में। ये वाला स्क्रू यहाँ से निकाल लीजिए और आप हल्के से बिल्कुल आहिस्ता से इसे रिमूव करिए यहाँ से। ये रिमूव कर लेंगे इस पैनल को आप सारे दीजिए। और ये है हमारा बैटरी का पार्ट और इसमें हमको देखना पड़ेगा कि हमारा फ्लैशर कहाँ पे लगा है। हमारा फ्लैशर दूसरी वाली साइड हो सकता है। ये मैं एक सेकंड रुकिए, मैं इसको भी रिमूव करके देख लेता हूँ। बजर को इंस्टॉल करने से पहले ये आप वाइजर खोलना पड़ेगा, ये की मैंने खोल लिया था पहले ही। तो ये इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा इसको। ये फ्लैशर होता है जो आगे इसमें मिलेगा आपको, और ये रबड़ मेरी टूट चुकी है, ये कैसे प्लेसमेंट होगा वो देखना पड़ेगा। यहाँ से ऐसे नहीं, तो आपको बहुत दिक्कत होगी। आप इसको यहाँ से तोड़ दीजिए, यहाँ से उठाइए, बेल्ट डालना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। बेल्ट रुकेगा इसका प्लेसमेंट किस जगह करना पड़ेगा। ये यहाँ फिक्स हो जाता है जैसे, उसे नहीं यदि ये रबड़ ना हो इसको मैं निकाल देता हूँ। कनेक्शन मैंने कर दिए इसका, एक रेड इसमें एक ब्लैक इसमें, और इसको आप निकाल दीजिए। यदि आपकी इसमें से हट गया तो ये प्लेसमेंट यहाँ पे कर दूँगा, ये निकलने का तो डर रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे लगाने के बाद में इसको आप कहीं भी फिक्स कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप इसको साइड में डाल देता हूँ, और ये इसका एक टेप लग कर आई है। ये मैंने पिछली वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग कर दी थी, और ये मैंने चला के दिखा दिया, अब एक बार और चला के दिखा दूँगा। तो इसको प्लेसमेंट कहाँ करेंगे हमें बहुत ही सोचना समझना पड़ेगा। इसका प्लेसमेंट हम यहाँ भी कर सकते हैं इस तरीके से, और ये रुकेगा नहीं। आप इस तरीके से कर दीजिए तो कुछ लगेगा, बताऊँगा।
ये एक साइड ये वाली रबड़ है, आपको इसको बड़ा कर लेना पड़ेगा थोड़ा सा ऐसे। इसकी सेटिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी कि कहाँ पे इसका प्लेसमेंट किया जाए। इसको एक आप टाई में बांध सकते हैं, ये जैसे मैंने टाई मंगा लिया और ये मैंने इसके अंदर प्लेस कर दिया, रबड़ कट गई थी इस वजह से मैंने, तो इसको इस तरीके से यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। थोड़ा दिक्कत तो होगा पर ये कैसे करना, नीचे से हाथ लगा लीजिए कहीं हेडलाइट पे कोई इशू ना आ जाए, इस वजह से इसको पूरा फिक्स कर दीजिए सही से। ऐसे ऐसे डालिए, ऐसे फिक्स कर दीजिए, फुल टाइट करके फिक्स हो गया आपका। ये मैंने जुगाड़ किया है और इसको यहाँ से कट कर देना, और बाकी ये प्लेसमेंट इसकी आप सबसे बढ़िया तरीका आप यहाँ कर सकते हैं, आपको खाली टेप ही तो चिपकाना है। सबसे बेस्ट रहेगा इसकी प्लेसमेंट आप इस तरीके से कर दीजिए। मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ, और यहाँ से डबल साइड टेप है इसको हल्का से छुटाएंगे ये, और आप इस तरीके से प्लेस कर दीजिए थोड़ा सा टाइट करके, बस ये हो गया। और यहाँ से कट कर दीजिए इसको, ये आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट कीजिए जिसमें आपको दिक्कत ना हो, और उसके बाद में आप इसको फिक्स कर दीजिए। और इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ, सेट करके आप फिक्स कर दीजिए, और मैं इसको ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। ये इस तरीके से काम करता है, और यदि आप उसमें वायरिंग अगर थोड़ा सा नेगेटिव कर देंगे उल्टा, तो ये काम नहीं करेगा आपको, फिर आपको वायरिंग चेंज करके देखना पड़ेगा लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में। इसको मैं प्लेस कर देता हूँ, उसके बाद में ये तो मेरा काम करने लगा, इसमें सिर्फ मेरे को नट टाइट करने हैं। और चलिए वीडियो एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए शेरखान ब्लॉग्स की वॉचिंग। बाय बाय।